हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंगर टू एक्सप्लोर। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस, मैं हूं अभी जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम में। ये है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। तो एक बहुत अच्छा स्पॉट, देश की आन बान शान। तो मैं जैसलमेर में ही था तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को कैप्चर करूं व्यूअर्स के लिए। इट्स रिटन आई लव इंडियन आर्मी। वाओ, ओके, आई लव इंडियन आर्मी। ओके, ये पूरा म्यूजियम के अंदर प्रमाइसेस का है। ये आगे पूरा वहाँ पे टैंक्स, जेट, जीप्स, वॉर जीप्स, सब चीज़ें हैं इधर। ब्यूटिफुल सॉन्ग। अगर सब आप सामने देख पा रहे हो, फटाफट कैप्चर करते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, यहाँ लिखा है लौंगे वाला पोस्ट। ओके, ऐसे होते हैं बंकर्स आई बिलीव। देखिए ये उधर भी है, ये यहाँ सारे शहीदों के नाम भी लिखे हैं। 1961 और 1971 की वॉर। यदा यदा ही धर्मस्य गलिन भावती भारत, अद्भुत ध्यानम धर्मस्य तथात्मान सुजान्यहम्।
ओके ब्यूटीफुल। आर इंडियन सोल्जर्स हैव सैक्रिफाइसेस अ लॉट, देयर सैक्रिफाइसेस आर द रीजंस फॉर आर टुडेज फ्रीडम। This is, I believe, this is 1971 war. Here are the tanks we have. कुछ पाकिस्तानी टैंक्स हमने पकड़े थे, आप देख सकते हैं। ये अब भारत के अंडर में है पाकिस्तानी टैंक्स। यहाँ साइन भी लगा हुआ है पाकिस्तान का। ये साइन भी है पाकिस्तान टैंक। एक ये है, ये भी पाकिस्तान टैंक है जो इन इंडियन आर्मी ने कब्जे में ले लिया था, भाग गए थे पाकिस्तानी छोड़ के टैंक। दिस इज आर प्राइड। इट्स रिटन लोंगेवाला हॉल। ओके देश की कुर्बानियां रंग लाई हैं दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एक यू नो पेट्रियोटिज्म आ जाता है और अपने देश के लिए प्यार आ जाता है जब ये सब देखते हैं कितनी कुर्बानियां दी हैं देश ने। सल्यूट टू इंडियन आर्मी। यहाँ अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए व्यूअर्स, ये जो लोंगेवाला हॉल है इसके अंदर मूवी भी चलती है। अभी के लिए इन्होंने बंद किया हुआ है, बट दे हैव अ म्यूजियम हेयर इनसाइड द हॉल एंड दे प्ले द मूवी एज वेल फॉर ऑल द वॉर्स वी हैव फॉट। सो इधर का टिकट चार्ज जो है विदाउट द मूवी अभी एज इट इज़ बंद है तो इट्स 30 rupees पर पर्सन, and if the movie is there then it's 55 rupees per person. गाइज आप कभी जैसलमेर आए तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, ये भी मिस करने वाली चीज़ नहीं है। इफ़ यू लव योर कंट्री, इफ़ यू हैव पैट्रियोटिज्म इन योर हार्ट, यू शुड कम हियर एंड यू शुड नॉट मिस इट। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन मिस ऑन। ब्यूटिफुल।
ये जो आप देख रहे हैं ये एक ग्रीन कलर का और एक वो ग्रीन कलर का, ये दोनों पाकिस्तानी टैंक्स हैं। ये ट्रक भी जो है पाकिस्तानी है, जो इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस ट्रक के परखच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं ट्रक की हालत जो इंडियन आर्मी ने करी है पाकिस्तानियों की। टायर का हाल, रिम का हाल देखिए, ये डैमेज पूरा। यहाँ पे वाटरफॉल होता है बट अभी बंद है। दुर्गा माता की जय। आकाशे शत्रुघ्न जहि। फोर्टी एम एम 60 एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये, और ये डिजाइन हुई थी 1930 में, और इसको बनाया था स्वीडन ने। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम वेट एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 40 एम एम एल 60 गन वॉज इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी इन द ईयर 1943। These guns were extensively employed during Op Riddle in 1965 and Op Cactus Lily in 1971 wars, wherein they destroyed the large number of F-86 Sabres and F-104 Starfighters jets. 40mm gun was decommissioned in year 1982. ये एक और पाकिस्तानी, कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। गाइस फटाफट कमेंट करके बताओ, इस चीज में कंजूसी मत करना, कमेंट करो, लाइक्स दो इस वीडियो को जितना दे सकते हो दो, ताकि मुझे पता चले कि आप अपने देश से प्यार करते हो। एक ये है पाकिस्तानी, एक ये टैंक भी पाकिस्तानी है। पता नहीं ऐसे कितने इनके आर्म्स, एम्यूनेशंस, टैंक्स, जीप्स, वॉर जीप्स, गन्स, पता नहीं क्या क्या कैप्चर किया है इंडियन आर्मी ने। तो गाइज हम बाहर आ गए हैं वॉर म्यूजियम से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जो जो भाई नए हैं सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ, और आप मेरे पहले के भी वीडियोस दे सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस आपको सीधी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें।